अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा बीफ मिल्क की रेसिपी लेके आई हूँ, जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, जो बहुत ही कम मसालों से और बहुत ही आसान तरीके से घर पर बनाई जाती है। और आज स्पेशली मैंने अफ्तारी के अंदर ये यूज़ करना है और मैंने इसको आपके साथ शेयर भी किया है। तो चलें जी, इसमें कौन कौन सी चीज़ ऐड होगी और किस तरीके से ये बहुत ही कम टाइम में तैयार होगा वो आपसे शेयर करते हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो यहाँ पे मैंने लिया है बीफ और उसको मैंने 15 से 20 मिनट वेट लगा के उसको हाफ डन कर लिया है हमने। आधा गिलास दूध लिया है मैंने, फ्रेश दूध, डिब्बे वाला दूध नहीं यूज़ करूँगी। और यहाँ पर मैंने 4 खाने के चम्मच क्रीम ली है। हाफ चम्मच यहाँ पे वाइट मिर्च जाएगी, वाइट मिर्च का पाउडर है वो ऐड करेंगे। और यहाँ पे 3 अदद मैंने ली हैं साबुत सब्ज़ मिर्च। तो चलें जी, रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं और साथ साथ आपसे शेयर भी करेंगे। जी, फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है और प्यारे से पैन के अंदर हमने 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल यूज़ किया है। और इसके अंदर हमने बीफ जो हाफ डन किया हुआ था उसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। चिकन मिलक भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, मेरे चैनल पर जाएं, हंसा किचन मेरे चैनल का नाम है, वहाँ पे सर्च करें, आपको वो भी रेसिपी मिलेगी। और चिकन मिलक को हमने ज़्यादा ऑयल के अंदर फ्राई किया था क्योंकि हमने उसको उसी के अंदर पकाना था और बीफ हमारा पहले से ही हाफ डन हुआ हुआ है, इसलिए इसके अंदर 3 खाने के चम्मच ही मैंने कुकिंग ऑयल यूज़ किया है और इसके अंदर ही हमने इसको पकाना है। 2 से 3 मिनट के लिए इसको नॉर्मल सा फ्राई करूँगी। तो चलें, ये चिकन की टाइमिंग पूरी हो गई है, 3 मिनट हमने इसको फ्राई कर लिया है और चिकन का कलर भी चेंज हो गया है, लाइट ब्राउन सा। और अब हम इसके अंदर मिलक ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें जी, यहाँ पे बॉयल आएगा और बॉयल आने के बाद दूध जो है उसको बिल्कुल हमने ड्राई करना है। तो माशाल्लाह, ये देखें जी, मिलक जो है वो ड्राई हो चुका है और आयल ऊपर आना शुरू हो गया है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा फॉलो कीजिएगा। यहाँ जाएगा वाइट मिर्च, वो ऐड कर दी है और इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो चलें जी, अब यहाँ पे जाएगा क्रीम ऐड कर देते हैं और इसको कर देते हैं मिक्स। तो मेरे प्यार प्यार दोस्त, ये सोच रहे होंगे इसके अंदर नमक ऐड नहीं किया, तो नमक हमने जब बीफ को बॉयल किया था, वेट लगवाया था, नमक हमने तभी हद से ज़रूरत इस्तेमाल कर लिया था और इसलिए इसके अंदर इतना ज़्यादा नमक भी नहीं यूज़ होता। तो अच्छा जी, मिक्स कर लिया है हमने। तो माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी लुक आ गई है। और यहाँ पे जो सब्ज़ मिर्च ली थी वो ऐड कर देते हैं। तो माशाल्लाह देखें जी, हमारा बीफ मिल्क बहुत मज़े का तैयार हो गया है। तो अब चलते हैं फाइनल लुक की तरफ और डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह, ये देखें जी, हमने अपने बहुत ही मज़ेदार से बीफ मिल्क को डिश आउट कर दिया है, जो बहुत ही खूबसूरत सी शक्ल का तैयार हुआ है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।